तो तमाम अजला से गुजारिश है वो अपने अपनी जगह बैठे और मेरी यहाँ पर जो हनुमान बड़ा 150 यहाँ बच्चे जैर ताली में इस हमारे लेकिन बेचारे वो अनपढ़ थे इसलिए उसको पता ही नहीं चला मेरा बच्चा क्या लिख रहा है इसलिए हमारे जी ये ड्राइव है इसमें हमारे जेडियो साहब जो हैं इन्होंने बहुत कोशिश की और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्कद किया इससे एक शौक पैदा होता है पेरेंट्स में भी बच्चों में भी और हमें भी कोशिश करनी है इस बारे में कि इसका पूरा पूरा ताउन करें और इस एनरोलमेंट ड्राइव में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराएं ताकि ये ड्राइव कामयाब हो सके। ये बिल्डिंग भी यहाँ तामीर करवाई और बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, मतलब अच्छी जगह पर बनी, बदकिस्मती की वजह से सैलाब। तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अभी इतना कर रही है, आप जानते हैं कि इस वक्त मिड डे मील भी फ्री मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, बुक्स मिल रहा है और बाकी चीज बहुत कुछ गवर्नमेंट कर रही है बच्चों के लिए। सब बहुत लगने जा रहा है, जो 2 साल से हमारा जो कोविड था इससे हमारे बच्चों को काफी बहुत सारा पढ़ाई में जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई के लिए मैं आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने बच्चों का ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन किया करें। इन कर नागज गवर्नमेंट स्कूल से क्या गवर्नमेंट स्कूल करो पे बच्चन एडमिशन अद क्या करो वादा कर आज तो पगह तो तथा नादर्ज बुन जो हमारे वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हमारे रिस्पेक्टेड सीओ साहब उनके आदेश पर जिस तरह से हमारे पूरे यूटी में जो ये एनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है उसी की एक कड़ी है कि आज हम यहाँ पर जो हमारा क्लस्टर हंजाल है उसी का एक ये स्कूल है UPS जो तांत्रेपुरा है उस सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए कि यहाँ पर हम एनरोलमेंट ड्राइव चलाए। नई जितने भी बच्चे हमारे पास हैं जो ड्रॉप आउट्स हैं या जो हमारी न्यू एडमिशन्स हैं जो भी काज ऑफ ड्रॉप आउट है चाहे वो हमारे लड़कियाँ हैं लड़के हैं उनको कौन सा मैकेनिज़्म हम डेवलप करेंगे उन कौन से कारण्स रहे हैं कि वो किस वजह से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं आ सके उसी के वही लेके आज हम यहाँ पर आए ताकि हम एक अच्छा सा एक एनरोलमेंट ड्राइव करें यहाँ पर जो भी हमारे नए एडमिशन्स हैं ड्रॉप आउट्स हैं उनको आज हम स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में ला रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी फैसिलिटी है अगर मैं आपको बताते चलूँ कि हम फ्री यूनिफॉर्म देखेंगे फ्री यूनिफॉर्म बच्चों को मिलती है फ्री बुक्स मिलते हैं बच्चों को उनको मिड डे मील मिलता है बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं। मैं आपको बोलूं कि गवर्नमेंट ने इस बार मेरे इस हमारे जून में 90 लाख रुपीस दे दिए थे हमारे यूनिफॉर्म के लिए जो तो मेरी रिक्वेस्ट है सब टीचरों से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करें क्योंकि गवर्नमेंट जो है जिस स्कूल में भी 15 बच्चे होंगे या 15 से कम है वो स्कूल बंद हो रहे हैं ये बहुत अलमिया है। इसलिए मेरी मैसेज है पूरी कम्युनिटी के लिए टीचर कम्युनिटी के लिए कि वो घर घर डोर टू डोर जाए और नई एनरोलमेंट्स करें ताकि हमारे जितने भी स्कूल जो खुले हैं वो बंद नहीं होने चाहिए। सर एनरोलमेंट कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एनरोलमेंट ड्राइव है जो पूरे जम्मू कांड में इसमें चल रहा है डायरेक्टर साहब की हिदायत पे तो यहाँ बनहाल जून में भी हमारे जेडीओ साहब इसको करवा रहे हैं तो हमारी जितने भी टीचिंग फैकल्टी है बिल्कुल जेडीओ साहब की शाना बशाना है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ
हमारे जितने भी असातिज़ा इकराम हैं वो इसमें पूरा साथ दे रहे हैं ZDO साहब का। तो इस वक्त तक कम से कम हमारा 500 के करीब जो है न्यू एनरोलमेंट जून में हुआ है। हमारे असातिज़ा लगे हैं, बिल्कुल ज़मीन से साथ काम कर रहे हैं, और हम वालदैन को ये पूरा यकीन दहानी दिलाते हैं कि हमारे जो टीचर्स हैं, हम जो लोग जो हैं, हम बिल्कुल ज़मीनी सतह पर इसको अपनाएंगे और उनके बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करेंगे। शुक्रिया।